बहुत सारे टेप्स पड़े हैं यहाँ पर, और एक जो अजीब सी चीज़ है अंदर कुछ अजीब सा है। अंदर बताऊं तो देख सकते हैं अंदर का सीन कुछ ऐसा होगा। ऊपर छत इसकी पूरी टूट चुकी है, मुझे भी नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं। इसमें पर्दा लगा हुआ है गाइस। यहाँ के लगभग हर घर के मीटर चालू हैं। ये दरवाजा है यहाँ पे, ये वीडियो है एक ऐसे टाउन की जिसे लोगों ने धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया, और आज 2023 आते आते इसमें आपको बस कुछ बुजुर्ग लोग ही दिखाई पड़ेंगे। वैसे तो ये जितनी भी इमारतें हैं इनकी स्थापना 1970 से 75 में हुई, जिसमें कि लगभग 300 अपार्टमेंट्स हैं। लेकिन अब 2023 में आपको कुछ ही घरों में इंसान दिखाई पड़ेंगे, बाकी लोग तो सब शहरों की भीड़ में शामिल हो गए और इन अपार्टमेंट्स को अकेला छोड़कर चले गए। इस वीडियो में दिखाएंगे कि अबेंडेंड होने के बाद घरों की हालत कैसी हो जाती है और प्रकृति धीरे धीरे अपना सब कुछ कैसे वापस ले लेती है। तो नमस्ते आप सभी दोस्तों को, और आज हम आ चुके हैं एक नई लोकेशन पे जो कि थोड़ा सा अबेंडेंड है ये पूरी जगह यहाँ पर। और लगभग 2021 आते आते ये जगह 90% पूरी खाली हो चुकी थी, और आज हम इस वीडियो में इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे, और आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों तो कल रात जब मैं अपनी अबेंडेंड लिस्ट को खंगाल रहा था तो मुझे चीबा के मोबारा शहर में ये जगह मिली, और ये पूरी तरह से अबेंडेंड है। बहुत बड़ी जगह में ये पूरे घर हैं यहाँ पर, और मुझे लगा कि यहाँ की वीडियो बनानी चाहिए, तो आज हम आ गए हैं यहाँ की पूरी वीडियो बनाने के लिए, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये घर पूरे खाली हो गए थे। यहाँ पर हमारे अलावा भी कई लोग आ रखे हैं, लेकिन वो पूरे जापनीज लोग हैं, क्योंकि विदेश में अगर आप इंटरनेट पे कहीं भी इस जगह को सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, और अगर आप जापनीज में सर्च करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा। तो ये देखिए ऐसी इस जगह पर ना 299 घर हैं, और 60 से ऐसे मकान हैं जो मतलब 2 फ्लोर के हैं, 2 मंजिला हैं, तो उनमें से ये भी एक है। ट्राई करूँगा खोलने की, यहाँ पर लगता है कोई भी नहीं होगा, बस सांप का डर है। कोशिश करता हूँ इसको, पूरी तरह से लॉक है, मीटर चालू है, ऐसा कैसे हो सकता है मीटर इसका पूरा चालू है। दोस्तों इस जगह को कहते हैं गोस्ट टाउन, और अक्सर आप ऐसी जगहों पे विदाउट परमिशन नहीं आ सकते। आपको जापान में हर सिटी में आपको शख्सों में परमिशन लेनी होती है ऐसी जगहों पर आने के लिए, और या तो आप फ़ोन करके भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऐसी जगहों के। क्योंकि इस जगह की लोकेशन शेयर नहीं करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं और सरकारी प्रॉपर्टी हैं। बड़ी क्रीपी सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। यहाँ पर देखो ये बिल्डिंग है ना, जो 4 मंजिला बिल्डिंग है, इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कहीं भूत ऊपर से कुछ फेंक के ना मार दे। चलो ट्राई करते हैं इसके अंदर जाने का। ये दिखाओ दे, मतलब काफी टाइम तक यहाँ पर ही आते रहे। चलो कोशिश करते हैं खोलने की। गाइस काफी डरावना
खुला है पूरी तरह से। चाले लगे ना चाले। चलो देखते हैं। खाली है पूरी तरह से, खाली है ये, काफी गंदा है। जाले लगे हैं यहाँ पर और एक डर भी है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज ना मिल जाए जिससे भाई हालत खराब हो जाए। ये घर है पूरी तरह से खाली है। चलो कोशिश करते हैं इसके 2 फ्लोर तक जाने की, तो देखते हैं खुला है या बंद। ये बंद है, ये भी बंद है, मतलब नीचे का एक ही रूम खुला था सिर्फ। गाइस यहाँ के लगभग हर घर के मीटर चालू हैं। ये दरवाजा है यहाँ पे लॉक है ये पूरी तरह से, बट पता नहीं एक अजीब सी बात है यहाँ पर सब घरों में लाइट चालू है। लगता तो ऐसा है दोस्तों कई वर्षों से ये पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर बंद है और कोई भी नहीं आता यहाँ पर। ये पता नहीं ओपन लग रहा है थोड़ा, पर ऐसा है नहीं, पूरी तरह से लॉक है। और एक अजीब सी बात है हर जगह मीटर चालू है और ये अजीब से घर हैं कुछ, तो सांप हो सकते हैं यहाँ पर। बाहर देखें तो बाहर पूरा शहर है और अंदर एक अलग सा सन्नाटा है यहाँ पर, मतलब एक अजीब सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर आके। ये जो पूरा टाउन है काफ़ी बड़े एरिया पे ये फैला है और पूरी तरह से एक अजीब सी बात है कि सब लोग यहाँ से छोड़कर चले गए। एबेंडेंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि लोग एकदम ऐसे इंटेंशन के साथ जाते हैं यहाँ से कि वो वापस नहीं आएंगे, तो जो जगह छूट गई है उसे एबेंडेंड कहते हैं दोस्तों। एक टेलीफोन बूथ भी है इसके अंदर, ये देखिए लगता तो है चालू होगा। अच्छा ऐसे खुलता है, हाँ पूरी तरह से चालू है। कॉइन डालो और कॉल करो। एक ट्रक दिखाया मैं और ट्रक की हालत दिखाऊं आपको तो मतलब अंदर से पूरे कागज वगैरह सब पड़े हैं। पेन भी रखी है यहाँ पर, बट लगता तो नहीं है इसको कोई चलाता होगा, जंग लग चुका है पूरी तरह से। और अपने ये स्टैंड में खड़ी है, यहाँ पर भी एक छोटा सा कमरा है और अंदर कुछ अजीब सा है, अजीब सा स्टोरेज है यहाँ पर आपको भाई। ओ माय गॉड, ये काफी डरावना है सच में। वहाँ पर एक सर पड़ा है, लगता तो ऐसा है यहाँ पर कुछ समय पहले तक कोई रहता था। फ्रिज है, सब कुछ है। बहुत सारे टेप्स पड़े हैं यहाँ पर और एक जो अजीब सी चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है, जिसको देख के मैं भी डर गया था। ये सर यहाँ पर पड़ा है और बाकी टीवी पे देखो पेड़ लग चुके हैं। कैलेंडर 2016 का है तो मतलब यहाँ पर 2016 तक कोई ना कोई रहता था और एक अजीब सी चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, पता नहीं क्या है। फ्रिज खोलें, फ्रिज के अंदर फ्रिज में कुछ नहीं है,
फ्रिज भी जाम हो गया है। लगता तो है बड़े समय से ये जगह पूरी एबेंडेंट पड़ी है, बट ऐसे पड़े यहाँ पर कपड़े, टेप्स वगैरह, जूते, और बाहर की हालत देखो कुछ ऐसी है। तो चलो ये चीज़ें हम कर देते हैं नेचर के हवाले। पता नहीं क्यों बहुत सारे टेप्स हैं यहाँ पर, और ट्राईपोड भी है बहुत बड़ा सा। 70 से 75 तक के बीच में इन सारी बिल्डिंगों का निर्माण हुआ था, और 2020-21 आते आते ये धीरे धीरे, मतलब वैसे तो ये बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे, यहाँ से मतलब लोग जाना शुरू कर चुके थे और दोबारा यहाँ पर कोई भी लोग नहीं आए। ऐसा नहीं है कि ये पूरे, मतलब पूरा जो टाउन है ये खाली है, यहाँ पर कुछ आपको बुजुर्ग लोग दिख जाएंगे और कुछ फैमिलीज दिख जाएंगे। इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन बाहर वाली साइड पे आपको कोई ना कोई दिख जाएगा, और कहीं घरों के आगे आपको वाहन जो होते हैं कार्स खड़ी दिखाई देंगी। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान है कि उन 2030-35 तक तो ये जगह पूरी खंडर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो बुजुर्ग हैं और काफ़ी ऊपर वाली एज के हैं। एक दो हमें मिले भी थे, लेकिन वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे। एक गार्डन मिला है दोस्तों, और इस गार्डन में आपको घास के अलावा ये झूले, एक लाइट पीछे के बीच में, और बाकी कुछ नहीं। बट अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा झूले का मज़ा लेके हम ज़रूर आएंगे। तो ये है ना, इस पर पूरी तरह से जंगल लग गया है, बट फिर भी एक राइड तो बनता है। कहीं मेरे हाथ में आ जाए। ये देखो ये झूला है, और कभी खेलते होंगे इसमें बच्चे लोग। ये बीच में एक लाइट लगी है जो ऑन ही है। लगभग 1 घंटे से हम इसमें चल रहे हैं, और हर जगह पर कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये देखो कभी रहता होगा यहाँ पर कोई, कोई ये बोतल छोड़ के गया यहाँ पर। ऐसी वाह, खुला है। पुलिस। सो गाइस, ये तीसरा घर है जिसे हम खोलने जा रहे हैं। तो देखते हैं, इसके ये बैक साइड है, पीछे से खिड़की है और पर्दा लगा हुआ है अंदर से, खोलने का प्रयास करेंगे। अरे पूरा लॉक है। लेकिन अगर आपको मैं अंदर बताऊं तो कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं अंदर का सीन कुछ ऐसा होगा। ऊपर छत इसकी पूरी टूट चुकी है, मुझे भी नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं। इसमें पर्दा लगा हुआ है। ऊपर आया तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा, ऊपर खिड़की टूट चुकी है, और किसी ने शायद पत्थर मार के तोड़ी होगी वो, क्योंकि खुद से तो टूट नहीं सकती। बीच में कुछ फेंक रखा है। गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आशा है कि उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो से मतलब इतना ही कहूँगा मैं कि ऐसी जगहों को हमें एकदम क्लीन रखना चाहिए, और कोई भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही नेचरफुल जगह है, और एक ना एक दिन तो
नेचर अपनी सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे वापस ले लेता है। तो उनका एक शानदार एग्जांपल है ये पूरा प्लेस। और ऐसा लगता तो नहीं है यहाँ पर कुछ गोस्ट वगैरह कुछ होगा, बट अगर आप यहाँ पर रात में आते हैं तो एक अजीब सा ही एक्सपीरियंस हो सकता है वो। तो रात में आने की तो किस्में इतनी हिम्मत है कि इस ऐसी जगह पर कोई रात में आए और किसी के रूम में जाए जो कि सालों पहले से यहाँ पर जिस रूम में कोई भी नहीं रहता, तो ये काफ़ी मुश्किल है। और जो दिन में है, दिन में यहाँ पर काफ़ी शानदार माहौल है, कोई भी नहीं है, एकदम शांत जगह है। और मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पर अपनी हॉरर मूवी को शूट करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है। तो इस वीडियो को रखते हैं दोस्तों यहीं तक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वेट कीजिए अगली वीडियो का, उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको पसंद आई वीडियो तभी करना, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।